एंडोर्समेंट कंसेप्ट क्या होता है वो हमें समझना है, उसके लिए जो सिचुएशन यहाँ पर डिस्कस होगा उसको ध्यान से समझना, एंडोर्समेंट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बताता था ड्रॉवर, ड्रॉवर होता है और ड्रॉई, तो ड्रॉवर कौन और ड्रॉई कौन, ये आपको पता है, ये सेलर होता है ये परचेजर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, ड्रॉवर, और ये ड्रॉई है, राइट, और तीसरा पर्सन एक और है यहाँ पे, तीसरी पार्टी, ठीक है। तो ये जो सेलर है, ये जो सेलर है और ये बायर, और स्पेसिफिक हो गया आपका पॉइंट, सेलर और बायर, ये तो समझ में आता है, सेलर और बायर, ये सेलर ये बायर, ठीक है। तो ये सेलर भी तो कहीं ना कहीं से खरीदता होगा तब तो बेचता होगा ना यार, जैसे रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप वाले होलसेलर से खरीदते हैं फिर उसके बाद कस्टमर को बेचते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये रिटेलर है, ये रिटेलर सेलर है इसका मतलब, और ये क्या करता है, ये रिटेलर बायर को बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, तो ये कहीं ना कहीं से तो परचेस करता होगा ना। तो ये ड्रॉवर ने होलसेलर से खरीदा, ये होलसेलर है समझ लो, ये होलसेलर, होलसेलर ने दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने कस्टमर को बेचा, बात समझ में आई कि नहीं है। इसने इसको उधारी में बेचा, इसने भी उधारी में बेचा, ठीक है। अब समझ लो अगर इसने इसको उधारी में से लिया, क्वेश्चन में कैसा रहता है घुमा फिरा कर पता है कि सेलर, क्वेश्चन में कैसा रहेगा, सेलर ने बायर को बेचा, मतलब ड्रॉवर ने ड्रॉई को सेल किया, सबसे पहले ये रहता है, और इसने इसको सेल किया तो ये बिल बनाता है, अपने सिग्नेचर करता है, और इसके पास सिग्नेचर के लिए भेजता है, इसके पास बिल वापस आ जाता है, एक्सेप्टेंस की एंट्री हो जाती है, यहाँ तक एक्सेप्टेंस की एंट्री, सेल हुआ और एक्सेप्टेंस की एंट्री इसके बुक में हो जाती है, इसके बुक में परचेजर की एंट्री और एक्सेप्टेंस देने की एंट्री हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आता है, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आता है, बिल इसके पास आने के बाद दो महीने का वादा इसने किया था, दो महीने बाद दूंगा, तो दो महीने तक इसको बोल नहीं सकता भाई पैसे देने के लिए, बात सही है। अब ये चिल्लाते रहता है भाई पैसे लाओ पैसे लाओ, भाई देखो ड्रॉवर ने होलसेलर से खरीदा था तो होलसेलर को भी तो समय समय पे पैसे देने पड़ेंगे ना आपको, तो फिर होलसेलर इसको बोल रहा है पैसे लाओ भाई पैसे लाओ, खरीदा था बहुत दिनों से हो गए पैसे नहीं दिए। तो होलसेलर को शांत कराने के लिए ये जो बिल है, ये जो बिल इसके पास पड़ा हुआ है ना, ये इसको दिया जा सकता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एंडोर्समेंट, बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब इससे ड्रॉवर ने खरीदा था, ड्रॉवर को इसको पैसा देना है, तो ये बिल उठाकर इसको दे सकता है, होलसेलर को दे सकता है, भाई सर ये लो बिल, अब भरोसा हो गया पैसे मिलेंगे, तो होलसेलर कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा, हाँ चलो भाई पेपर आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, मतलब प्रूफ है कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट कहा जाता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये होता है जो ट्रांसफर करता है इसको एंडोर्सर कहते हैं, इसको एंडोर्सी कहते हैं, एंडोर्सी, और इस प्रोसेस को एंडोर्समेंट, बिल उठाकर इसका इसको दे दिया। अब जब ड्यू डेट आएगी ना, दो महीने बाद ड्यू डेट आएगी, बिल किसके पास है, इसके पास बिल नहीं है, अब इसके पास बिल है, एंडोर्सी के पास बिल है, एंडोर्सी क्या करेगा ड्यू डेट पे, ये पेपर लेकर इसके पास जाएगा और बोलेगा देखो भाई आपने वादा किया था पैसा लाओ पैसा लाओ, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर अगर ये इसको पैसा दे देगा क्या हुआ समझ लो, इस ये बिल ड्यू डेट पे ये पहुंचेगा किसके पास, बायर के पास, पैसा मांगने के लिए, क्योंकि उसकी सिग्नेचर और उसका एड्रेस वड्रेस लिखा है। ये अगर इसको पैसा दे देता है, ये डॉक्यूमेंट इसको दे देगा, बात समझ में, फिर इन दोनों की डीलिंग होगी, बात समझ में आई कि नहीं आई। इन दोनों की डीलिंग में फिर इसका रोल कॉल आया क्या, नहीं आया, जब उसका रोल कॉल नहीं तो उसकी बुक में एंट्री भी नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरह से सिचुएशंस क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आ सकता है, और कभी कभी ये भी बोला जाएगा आपको कि जब ये पहुंचा इससे पैसा मांगने तो इसने मना कर दिया, बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसा भी बोला जा सकता है, और उस समय डिसऑनर की एंट्री होगी, और डिसऑनर की एंट्री क्या होगी फिर, अब ये तो इससे पैसा ले लेगा, फिर ये अपने बुक में डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, बोलेगा भाई मुझसे ये ड्रॉई से पैसा लेना, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी होगा, फिर क्या होगी एंट्री, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। अच्छा बिल को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या थी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इसके बुक में की बात हो रही है, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या होगी इसके ड्रॉअर के बुक में, इसके बुक में एंट्री क्या होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, इस तरह से वहां पे केस चलेगा, इस तरह से एंडोर्समेंट की एंट्री होगी। सिचुएशंस मैंने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, फिलहाल ये मैंने ओवरव्यू करवा दिया अभी, और कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको 272 का आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है।